जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके गांव में आपका ही स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है मेरे इस प्यारे से गांव में। अच्छा, क्या नाम है जरा दर्शकों को पूरा नाम बताएं गांव का। मेरा गांव का नाम है अली नगर पाली, पाली काको पाली भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे सब। और अब ये गांव थोड़ा फेमस हुआ है, मेरे थोड़ी मेहनत मैंने की है। हाँ। तब बोला जाता है, अच्छा शूटिंग जहाँ होता है पाली, वो वाला पाली। अच्छा अच्छा, पहले क्या होता था वो विक्रम पाली, तो कौन वाला पाली, तो मुझे लगता है इतना सारा पाली है, अभी बोले शूटिंग वाला पाली। हाँ, तो यही पाली। तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, इतनी ठंड में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं चूहिया का। हाँ। क्या कुछ बताना चाहेंगे उस फिल्म के बारे में? एक तो अच्छी ठंड है और गाँव का माहौल बहुत अच्छा है, हमारे गाँव के जितने लोग हैं सब इतने प्यारे हैं कि शूटिंग जब होता है जैसे बोलूँगा वैसे वो लोग कर लेते हैं, तो कोई हमको इतने सुकून से काम होता है यहाँ पे कि हम क्या बोले। और मेरा जब तक ताकत है जब तक कोशिश करता हूँ कि गांव में शूटिंग लाऊं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, चार लोग काम पे लगते हैं, चार लोग एजुकेट होते हैं, उनको काम समझ में आता है, अच्छा ये भी एक काम है, शूटिंग भी एक काम है, तो उसमें दो पैसे उन लोगों को मिल जाते हैं काम पे। तो जो बॉम्बे वाले को पैसा खर्च करे उससे अपने गाँव में करें, अपने बिहार में करें, अपने डिस्ट्रिक्ट में करें, यही है बस। तो बिहार से जो लोग निर्माता है उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि बिहार में शूटिंग को बढ़ावा दें? बिहार के निर्माता लोग बेचारे कोशिश करते हैं मगर डर से कभी नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे सरकार का कोई सहयोग है नहीं, कोई भी हेल्प नहीं है, ना सब्सिडी है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें फिर भी हमारे जैसे दो चार पागल निर्माता होंगे जो गांव की मोहब्बत, अपने बिहार की मोहब्बत में आते हैं, आते रहेंगे, और एक दिन तो सरकार सुनेगी और हम लोग को साथ देगी और जिससे विकास होगा हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा, अपने गांव का विकास होगा। ये बॉम्बे की शूटिंग में और यहाँ आकर शूटिंग करने में क्या परेशानी है और लागत में क्या अंतर आता है? लागत में मेरे हिसाब से तो मेरा खर्चा बढ़ जाता है। बोलिए क्यों, सबको फ्लाइट से बुलाओ, ट्रेन से बुलाओ, खाने की व्यवस्था ठीक करो, तो ये करो, रहने की व्यवस्था नहीं, वो सब इतने तकलीफ में आके हम लोग शूटिंग करते हैं। अच्छा, रात का भी खाना दो, सुबह का भी नाश्ता दो, सारे लोग को, 100 आदमी है तो 150 आदमी को बिठा के खिलाना, वहाँ क्या शूटिंग हो गई, शाम में सब अपने अपने घर चले गए, तो बचता नहीं है, खर्चा ज़्यादा। यूपी में लोग क्यों शूटिंग करते हैं? क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी मिलती है, सरकार पैसा देती है, हमारे बिहार सरकार एक पैसा हमको हेल्प नहीं करती है कि आ जाओ तुम शूटिंग करो, हमारे लोग को रोज़गार मिलेगा तो तुम तो देश का भला हो गया, अपने स्टेट का। तो यहाँ कोई कोऑपरेशन नहीं है सरकार से, क्या पब्लिक का सहयोग है मेरे साथ। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से अपील करते हैं कि ये भी एक इंडस्ट्री है, उद्योग है, फिल्म उद्योग कहलाता है खाली पेपर पे, मगर उद्योग का मान्यता ठीक से दो ना, उनको सब्सिडी दो, उनको फिल्म सिटी बना के दो ताकि सब प्रोड्यूसर यहाँ शूटिंग करें। बिहार में अगर सब शूटिंग करेंगे तो कितना रोज़गार बन जाएगा, बम्बई जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। और क्या क्या दुश्वारियाँ हैं बिहार में शूटिंग करने में? देखिए बिहार में पहले तो लोग बदनाम किया कि जहानाबाद में शूटिंग मत करना, ऐसा जगह है वहाँ डर है वो है, ये सब मेरे स्टेट को, मेरे डिस्ट्रिक्ट को बदनाम करना है। हमने चौथा फिल्म है ये मेरे कौन कौन फिल्म बन चुकी है, इससे पहले कालिया यहाँ बनाया, लड़ाई बनाया, बैंडिट शकुंतला लास्ट ईयर बनाया, लॉकडाउन के बाद एक फिल्म और लेके आ गए चूहिया। सर चूहिया टाइटल कितना?